हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे कि किसी कंपनी की ओपनिंग बैलेंस को टैली में कैसे मेंटेन करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल माय कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको सभी न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, जिसकी एक बैलेंस शीट दे रखी है हमें, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, ठीक है, 31 मार्च 2020 तक की बैलेंस शीट है। तो वो फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हो गया, यानी कि 19-20 का बैलेंस शीट था ये। अब 2020 शुरू हो गया है, तो ये ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो इस साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो हमें ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये इस साल क्या होगा, ये ओपनिंग हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, देन हम क्या करेंगे उसके बाद इसके आगे के अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। तो सबसे चलिए टैली में चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना आना चाहिए। मैंने लेजर क्रिएट करना लास्ट वीडियो में सिखाया था, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ आप जाकर वीडियो देख सकते हैं पहले, कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर लिया है एक्स वाई जेड लिमिटेड का। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग अकाउंट इन्फो में, देन लेजर्स में जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि हम दो तरीके से लेजर क्रिएट कर सकते हैं, एक तो सिंगल लेजर, एक मल्टीपल लेजर। तो सिंगल लेजर में जब क्रिएट करना होता है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाते हैं और वहाँ से हम क्रिएट करते हैं। और एक होता है हमारा मल्टीपल, मल्टीपल में उन्होंने बताया था कि हम ऑल्टर में जाके क्रिएट करते हैं। तो मैं मल्टीपल से यहाँ पे क्रिएट करके दिखाती हूँ कि कैसे हम क्रिएट करेंगे। एक बार मैं सिंगल से भी दिखा देती हूँ कि कैसे कहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो जब हम सिंगल में जाते हैं क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास कैपिटल है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल दे रखा है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और कैपिटल टाइप करेंगे, यहाँ पर कैपिटल। देन कैपिटल जो होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है, जो ग्रुपिंग होती है वो कैपिटल की, वो कैपिटल के अंदर ही होता है, ठीक है। देन एंटर एंटर, फिर अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस। अब जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमें यहाँ पर पुट करना होता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है हमें, 10,36,650, ठीक है, 10,36,650। तो 10,36,650, देन एंटर। और ये क्रेडिट ही होगा क्योंकि कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट लाइबिलिटी है, तो हमारी क्रेडिट आएगा यहाँ पे, और एंटर। सेव कर दिया हमने इसे। अब स्पेस इसको स्केप करेंगे और देखते हैं हम यहाँ पे, वो मैंने एक सिंगल से बता दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीपल से। मल्टीपल में हम क्या करते हैं, हम ऑल्टर में जाते हैं, देन यहाँ पर ऑल आइटम्स में जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक कैपिटल का बनाया था वो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है, और मैंने बता रखा है कि जो टैली है उसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है, हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कैश और जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका अमाउंट हम बाद में डालेंगे, पहले हम और देख लेते हैं यहाँ पर कि और कौन कौन से अमाउंट है। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स का आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉइंग्स ले लेंगे, ड्रॉइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग की जो ग्रुपिंग होती है वो कैपिटल के अंदर ही होती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ग्रुपिंग होती है। तो कैपिटल में से ड्राइंग क्या होता है, माइनस होता है ना, तो हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, और 3,800 है यानी कि 3,800, तो माइनस, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है एक तरह से, है ना, डेबिट यानी कि कैपिटल से माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो सारे, इन सबके ग्रुपिंग कहाँ होती है, रिजर्व एंड सरप्लस में होती है। जितने भी रिजर्व होंगे, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, कितने भी होंगे वो सारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 67,000 है, तो यहाँ पे हम 67,000 ले लेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व है 1,98,000 का, सो यहाँ पर आ जाएगा जनरल रिजर्व। और ये इसकी ग्रुपिंग भी रिजर्व एंड सरप्लस में होगी, और ये कितना है, 1,98,000, ठीक है। देन एंटर। फिर इसके बाद आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट,
ठीक है, कितना था प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आ रहा है, 16,000 11 ना, 16,600, 16,365, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे, स्केप करके जाएंगे, बैक स्पेस का बटन जो होता है कीबोर्ड से दबाएंगे, बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 16,365, ठीक है, यही था 16,365, देन एंटर। एंटर करके आएंगे नीचे, देन इसके बाद क्या है, लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। अब लोन में दो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक और लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ठीक है। तो लोन में एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पे कि अगर हम किसी पर्सन से लोन लेते हैं, ठीक है, और वो बिना सिक्योरिटी का, लाइक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रखा कि सिक्योरिटी देकर लिया है हमने या बिना सिक्योरिटी का लिया है, तो हम मानते कि वो अनसिक्योर लोन। बेसिकली जब भी हम कोई किसी पर्सन से लेते हैं, लाइक कोई साहूकार वगैरह हो गया, हम आसपास किसी से उधार लेते हैं, तो उसके लिए हम कोई सिक्योरिटी नहीं देते, तो क्या हो जाएगा, वो अनसिक्योर हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो क्या होता है, वो बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देते हमें, ठीक है। तो उनका क्या होता है, वो पहले सिक्योरिटी जमा कराते हैं, उसके बाद लोन दे देते हैं। तो यहाँ पे जो लोन फ्रॉम आईसीआईसी है, तो ये क्या होगा, सिक्योर लोन के अंदर आएगा, यानी कि लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक है तो ये सिक्योर लोन के अंदर आएगा, क्योंकि जो भी बैंक होती है वो बिना सिक्योरिटी के कभी लोन नहीं देते हैं, ठीक है। तो 1,20,000। अब लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा, जैसे डायरेक्टर्स है तो यहाँ पे एक तरह से पर्सन से हमने लिया है ना, अगर हम किसी कंपनी से भी लेते तो सिक्योर होता, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्टर्स से लिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा कि सिक्योर था, हम इसे अनसिक्योर में डाल सकते हैं, इसे हम अनसिक्योर लोन में डाल देंगे। देन ये कितने का है, 1,25,000 का, एंटर करेंगे। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होती है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसकी ग्रुपिंग क्या होगी, करंट लाइबिलिटीज़ में होगी, और कितने का है ये, 6,000, तो 6,000 अमाउंट ले लिया हमने, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस ही डाल रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है ना, हम ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं अभी हर किसी का, अभी वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल, ठीक है, ये भी करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट होता है, सो करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा ये 11,500, ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, में देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में यहाँ पे क्या है, गगन ट्रेडर्स। तो हमारा यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स तो ग्रुपिंग हो जाएगी, और गगन ट्रेडर्स का आकर नेम, तो यहाँ पे हम गगन ट्रेडर्स लिखेंगे, गगन ट्रेडर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर में इसकी ग्रुपिंग होगी, क्योंकि क्या है, ये क्रेडिटर्स है हमारे लिए, तो संडे क्रेडिटर्स अंदर में क्या होगी, इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी, और ये 26,000 का है तो 26,000, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, एंटर करना है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम एसेट साइड में। अब यहाँ पे देखेंगे एसेट साइड, सबसे पहले क्या आ रहा है, कंप्यूटर एंड प्रीफिल्स, यानी कि कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर है तो हमारा क्या होगा, इसकी ग्रुपिंग जो होगी वो ये तो हमारा एसेट है ये तो पता है, लेकिन ये किसी अंदर ग्रुपिंग होगी, फिक्स एसेट है तो यहाँ पे हम फिक्स एसेट के अंदर डाल देंगे 15,000, ठीक है, डेबिट। देन इसके बाद आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी फिक्स एसेट ही होता है, तो फिक्स एसेट आ जाएगा, और कितने का है, 8,50,000 का है ये, 8,50,000, यानी कि 8,50,000 का है ये। देन एंटर, एंटर। इसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये भी फिक्स एसेट का ही पार्ट होता है, और ये कितने का है, 1,55,000 का है। देन एंटर करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फर्नीचर एंड फिक्चर,
सो हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, सिर्फ कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे टैली में जो पेस्ट करने के लिए होता है वो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम एक्सेल या वर्ड में हम कैसे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस वी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी होता है, तो हम पेस्ट भी कर सकते हैं। और ये भी फिक्स एसेट का ही पार्ट होगा। और कितना है, 1,90,000, देन एंटर कर देंगे। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एट IDBI। क्या है नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एट IDBI, तो यहाँ पे ये भी ले लेंगे हम इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आता है, इसकी ग्रुपिंग जो होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर ही की जाती है। 1,40,000, देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट होती है। करंट एसेट कितने का है, 2,000 का, देन एंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आएगा ये संडे डेटर्स में क्या है, SB इन्फोटेक, ठीक है, जो कि 32,000 का है, तो ये SB इन्फोटेक नाम है। सो SB इन्फो टेक, और ये हमारा संडे डेटर्स का पार्ट है। ठीक है, संडे डेटर्स की, संडे डेटर्स ग्रुपिंग क्या होगी इसकी, संडे डेटर्स में होगी 32,000 रुपये। ठीक है, फिर एंटर करेंगे, देन एंटर, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद है कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड यानी कि वही हमारे पास कैश दे रखा है, तो कैश का तो ऑलरेडी हमारे पास बना ही हुआ होता है, तो हमें बनाने की जरूरत है नहीं, तो हम इसको स्केप करेंगे, बैक स्केप करके जाएंगे और यहाँ पे इसका अमाउंट फिल कर देंगे। कितना है, 38,415, यानी 38,415 रुपीज़। से एंटर करके फिर से नीचे आ जाएंगे, हम इसे डाउन एरो से नीचे आ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये बैंक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर ही ग्रुपिंग होगी, बैंक की बैंक अकाउंट के अंदर ही ग्रुपिंग होती है, 67,000। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक, इसकी भी ग्रुपिंग क्या होगी, बैंक के अंदर ही होगी, लेकिन इसका अमाउंट कितना है, 1,10,000। ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर ही ग्रुपिंग होगी, 1,10,000 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, प्रीपेड रेंट आ गया। प्रीपेड रेंट क्या होता है, प्रीपेड रेंट हमारा करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट के अंदर ग्रुपिंग कर देंगे इसकी प्रीपेड रेंट। अब कितना हो जाएगा, 3,300। देन अब ख़त्म हो गया। अब हमारा जो बैलेंस शीट होना चाहिए ना, वो सेव करने के बाद इसके बराबर मैच होना चाहिए, जिससे यहाँ पर मैच हो रहा है ना, 16,02,715 यहाँ पे मैच हो रहा है, तो सेम यहाँ पे भी मैच होना चाहिए। अगर मैच होता है तो इसका मतलब हमने सारा कुछ सही किया है, अगर मैच नहीं होता तो हमने गलत किया है, यानी कुछ ना कुछ हमने कहीं ना कहीं ग्रुपिंग हो सकता है हमने गलत कर दिया हो कुछ इस वजह से। तो हम स्केप करेंगे, गेट टू टैली पे आएंगे और यहाँ पे हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम कभी भी बैलेंस शीट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा हमें यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नहीं देखते कि हमारा टोटल हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। जैसे 16,02,715 आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है, मैच हो रहा है, बट यहाँ पे जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे इक्वल ही आएगा। अगर हमने कुछ गलत भी किया होगा, डिफरेंस आता, तो हमेशा वो इधर के साइड में शो होता है, यहाँ पे शो होगा, ऊपर के साइड में यहाँ पे है तो यहाँ पे शो होगा, नीचे यहाँ पे कभी नहीं शो होता, यहाँ पे हमेशा इक्वल ही दिखाएगा। तो हमारा बैलेंस शीट वैसे भी मैच हो गया, कोई डिफरेंस कहीं पर आ नहीं रहा है, मैच हो गया, तो इनका मतलब हमने क्या किया है, पूरा सही किया है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम कैसे ओपनिंग बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।